यूट्यूब ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। हैप्पी रिपब्लिक डे, यानी आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, ढेरों शुभकामनाएं। और आज से नहीं, ये हम 68 साल से कहते आ रहे हैं और आज 69वां गणतंत्र दिवस है। सुबह से हम सभी एक दूसरे को शुभकामनाएं दे रहे हैं, टीवी पर देख रहे हैं, मीडिया दिखा रही है कि किस तरीके से कहां कहां पर क्या कुछ धूम देखने को मिल रही है, किस तरीके से पूरा जो भारत देश है वो गणतंत्र दिवस को मना रहा है, कहां पर क्या कुछ हो रहा है, क्या कुछ तस्वीरें सामने आई हैं। लेकिन एक बात जो सोचने की है कि जिस तरीके से 68 साल पहले संविधान जब लागू हुआ था, जब से हम गणतंत्र दिवस मना रहे हैं, क्या आज 69वें गणतंत्र दिवस पर भी हम सबके बीच में, हम सब के दिलों में वो राष्ट्र भावना है, वो देशभक्ति की भावना है? क्योंकि हर गणतंत्र दिवस पर, हर स्वतंत्रता दिवस पर हम सुबह उठते हैं, एक देशभक्ति की भावना हमारे दिल में होती है और ऐसा लगता है कि आज देश के लिए कुछ तो कर दिखाना है, आज देश के लिए मर मिटने को भी कोई कहेगा तो हंसते हंसते मर मिटेंगे। लेकिन सवाल ये है कि पूरा साल वो देशभक्ति की भावना कहाँ पर होती है? देश में इस तरीके का आतंक मच रहा है, पाकिस्तान को, चीन को हम हमेशा आरोप लगाते रहते हैं कि भारत के ये दुश्मन हैं, भारत के ये दोस्त कभी नहीं बन पाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से पहल की गई है, 10 देशों के प्रमुखों, 10 देशों के राष्ट्राध्यक्षों को बुलाया गया है इस बार गणतंत्र दिवस पर, एक अलग तरीके से पूरा रूप बदल दिया गया है। और वो जब हमारे देश में आए, हमारे देश की सैन्य शक्ति को देखा, महिलाओं की शक्ति को देखा, तो हैरान रह गए और उन्हें लगा कि एक ऐसे देश को दोस्त बनाया गया है जो काफ़ी मजबूत है। तो पीएम नरेंद्र मोदी ने तो अपना काम कर दिया, अपने देश के जो रिलेशनशिप हैं, जो संबंध हैं अन्य देशों से मजबूत करने की नींव उनकी ओर से रख दी गई है। लेकिन क्या आप और हम उस नींव को मजबूत कर पाएंगे? क्योंकि हमारी देशभक्ति की भावना तो एक या दो दिन ही रहती है। जरा सोचिए, सरहद पर जो जवान बैठे हैं, जो हमारी रक्षा कर रहे हैं, जिनकी वजह से आप और हम, आप और मैं, आप और हमारा समाज इस पर्व को बहुत ही धूमधाम से मनाता है। कोई भी त्यौहार हो, दिवाली, दशहरा, होली, बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। वो सभी इन त्यौहारों को एक साइड में रखकर, सभी चीज़ों को परे रखकर आपके और हमारे बारे में, हमारे समाज के बारे में, हमारे देश के बारे में सोचते हैं। सोचे क्या उनकी कोई भावनाएं नहीं होंगी? क्या वो नहीं सोचते होंगे कि उन्हें भी इस त्यौहार को अपने परिवार के साथ मनाना चाहिए? लेकिन उन सभी का परिवार आप हैं, हम हैं, हमारा समाज है, हमारा देश। इसी बीच अब भारत तिब्बत सीमा पुलिस ने हिमगिरों का एक वीडियो जारी किया है और इस वीडियो में दिखाया जा रहा है कि किस तरीके से -30 डिग्री सेल्सियस में भी भारी बर्फबारी हो रखी है, ठंड का माहौल है और 18,000 फीट की ऊंचाई पर वो जाकर तिरंगा फहरा रहे हैं। उनमें है सच्ची देशभक्ति, वो सच्चे देशभक्त हैं, उनमें वो जज्बा है कि हाँ, आज गणतंत्र दिवस है और हमें ध्वजारोहण करना है। तो आप देख सकते हैं कि क्या हम में और आप में वो राष्ट्रभक्ति है, हम में और आप में वो राष्ट्र भावना है।